अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अब शाम का वक्त हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं और देखें धूप भी है। और मैं अब और देखें गाइस, मैंने ये आज खुद अपने हाथों से बनाया है, ये देखें। और बहुत जल्द ही पूरा प्लांट तैयार करके मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगी। और ये देखें खुशक हो चुका है और मैं पूरी वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे हमारा चाय का वक्त हो गया, तो हम लोग पियेंगे चाय। इस वक्त हम हर रोज़ चाय पीते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से बाकी भी अपने काम शेयर करूंगी और आप लोग देखते रहिएगा। थोड़ा फ्लेम को करेंगे तेज। और यहाँ पे हमारी चाय तैयार हो रही है और हम धोने लगे हैं बर्तन। रेडी हो चुकी है और मज़ीद 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। इसका अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। तो बाद में हम चूल्हे को बंद कर दूंगी मैं जी। यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो रही है और मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये मैंने डेकोरेट किया इसको खुद ही। और फिलहाल मैंने फर्स्ट दफ़ा ये वाली की है, डेकोरेट की थी, तो इस तरह की मुझसे बनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जो भी चीज़ आप लोगों के साथ बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और फिलहाल मैंने इसको फ्रूट रखने के लिए यहाँ पे रख दिया है। और ये देखिए मैंने एक पहले भी इसमें एप्पल रखे हुए थे और मज़ीद पहले एप्पल ख़त्म हो गए थे तो अब नए लेके आए हैं। और देखें मैंने इसमें 3 रखने हैं और एक मैं काट लूँगी, ठीक है। सबसे छोटा जो होगा वो वाला काटना है, ये मुझे सबसे छोटा लग रहा है, इसको मैं काटूँगी और इसको ऐसा पड़े रहने दें। और ये आप लोगों के ये लें जी, एप्पल को मैंने धो लिया, ये देखें। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा दूध था तो इसको मैं जो दूध निकला है उसको तो मैं यहाँ पे निकालूंगी इस जगह से। और बर्फ एक साइड पे रहने दे। आजकल तो मौसम बहुत चेंज हो गया इसलिए मैं ज्यादा ठंडा नहीं पीती हूँ। और एक दिन मैंने ठंडा पिया था तो मेरा गला ख़राब हो गया इसलिए मैंने उस दिन से छोड़ दिया ठंडा पीना। और जस्ट इतना सा ये दूध निकला अभी तक, ये देखें। बाकी बर्फ़ी बनी हुई है, बर्फ़ बनी हुई है, बल्कि इसकी कुल्फ़ी बनी हुई है, ये देखें टूट भी नहीं रही है। तो इसमें डालेंगे चीनी, बहुत कम चीनी डालनी है मैंने। और यहाँ पे एप्पल तैयार करेंगे।
इसका जो निकलेगा उसको नहीं उधर ही है। हाँ जी नहीं नहीं अंदर कमरे च है। ये लें जी कुछ लोग खराब हो चुके नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनको निकाल दिया और नीचे पहले लहसुन रखा था, ऊपर प्याज रख दिए हैं और ये अभी तक खाली है। ये देखिए और जस्ट थोड़े से आलू हैं, आधा किलो आलू मंगवाए थे मैंने। और आलू क्योंकि ज़्यादा अगर मैं ले लूँ तो फिर हम लोगों से ख़त्म नहीं होते हैं और वो बड़े बड़े जो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से मंगवाए हैं आधा किलो। और यहाँ पे ये पहले प्याज हैं, ये बहुत बारीक हैं और इनको मैं अलहदा ही रखूँगी। और ये लहसुन के टुकड़े हैं, इनको मैं इसमें डाल दूँगी। और ये कद्दू काफ़ी दिनों से पड़ा है हमारा, ये अभी हमने नहीं पकाया है और ये ख़राब है कुछ, इनको निकाल देंगे। और यहाँ पे इसको मैं अलहदा ही रखूँगी इसमें। और नीचे आलू पड़े हैं, प्याज और लहसुन जी। यहाँ पे काफ़ी सारे शापर इकट्ठे हो गए हैं तो मैं इनको एक शापर में डाल के देखें, ये साफ साफ चापर है, इनको मैं अलहदा रख देती हूँ। और ये कचरा था तो इसको बास्केट में डालूंगी। और ये भी गंदा सा चापर है, इसको भी फेंक देते हैं। और ये नाजरी हमारी दाली चोरी चोरी चुपके चुपके बिस्किट खाए जा रहे हैं। ये देखें और अचानक से छापा पड़ा तो नए नए ड्रामे शुरू हो चुके हैं। ये देखें जी मेरे पास डब्बे बहुत कम हैं और दालें अभी भी पड़ी हैं तो मैं इनको, ये इसका छापर भी थोड़ा थोड़ा गीला है ये देखें, तो अलहदा ही रखूँगी इसके। ये देखें इसको मैं इसमें डाल दूंगी और ये वाला छापर अभी गीला है
तो और किसी चीज़ में निकाल के मैं इसको रख देती हूँ। और आप लोग गैस करके बताइएगा कि मैं इन दालों के लिए कौन से डब्बे यूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, और दालें अगर इन डब्बों में डालती हूँ तो इन डब्बों में कीड़ा लग जाता है, तो मुझे तो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। देखें तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो डब्बे कहाँ से मिलेंगे और किन डब्बों में ये जो है दालें वगैरह डालनी चाहिए। जी यहाँ पे मैंने बेड की सेटिंग वगैरह कर दी है, और ये देखें हैंड फ्री वगैरह, इनको मैं दराज में रखूँगी। जी ये काफ़ी सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, और ये मैं न्यू लेके आई थी, ये देखें ये मैंने न्यू खरीदी है। ये लड़कों का पैंट है, ये देखें आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों को, ये देखें। अब बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी। और ये इसके साथ में शर्ट है, इसका कलर बड़ा ही नाइस कलर है इसका, ये देखें काफ़ी नाइस कलर की है। ये देखें इसके बाजू, सिंपल से बाजू हैं इसके, लंबे लंबे से बाजू, और इनको मैं तय करके रखूँगी। ये न्यू है तो इसलिए इनको मैं शॉपर में अलग ही रखूंगी। और ये देखिए और मैंने इसको देखें खुद डेकोरेट किया था इस डब्बे को। ये सिंपल कार्डबोर्ड का आम सा डब्बा था, तो मैंने इसको फोम शीट लगा के इसको रेडी किया, और देखें रेडी करने के बाद ये इस तरह से हो चुका है। और मैं इसमें जो भी मेरे कपड़े होते हैं इस्त्री किए हुए, जो हैंग करने होते हैं मैं उसमें रख लेती हूँ, और जो हैंग के बगैर रखने होते हैं उनको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अभी, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे मेरे इस्त्री करने वाले भी, ये देखें इस्त्री करने के बाद मैं इसमें रख लेती हूँ। ये मेरा बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े आ जाते हैं, ये देखें। इस तरह का बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है, ये देखें। और ये मेरे फादर के नीले कपड़े हैं, ये कॉटन के हैं, तो इसलिए मैं इनको शापर से बाहर नहीं निकाल रही, क्योंकि ये छिपकली वगैरह का डर होता है कि कहीं वो इसको ख़राब ही ना कर दें कपड़ों को, ये देखें। तो इनको शापर में तय करके मैं इसमें ऐसे ही रख दूँगी, और उनको बटन वगैरह भी लगने हैं इसलिए ऐसे ही रख दी। और यहाँ पे मैं ये दो पीस, और इसकी शलवार और दुपट्टा ये मैं इसमें हैंग करके, ये देखिए मैंने इसमें हैंग किया। पहले मैंने इनको सब कपड़े इस्त्री किए थे, तो
इसमें बॉक्स में रखने की वजह से मेरी थोड़ी कपड़ों की तह ख़राब हो गई है, तो मैं दोबारा से इनको ऐसे ही पहन लूँगी। लेकिन ये गर्मियों के मौसम में तो कोई मसला नहीं होता इस तरह के कपड़ों का। और बाकी ये जो कपड़े हैं इनको मैंने इस्त्री करना है। ये देखें, यूनिफॉर्म वगैरह और तीन चार सूट हैं पूरे, जो कि मैंने इनको इस्त्री करना है। और इस्त्री करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये वाला बॉक्स तो मेरा कपड़ों से फुल हो चुका है, और आप लोगों को मेरा ये बना हुआ होममेड बॉक्स है, आप लोगों को कैसा लगा ये देखें। इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। अगर आप लोगों के घरों में भी कुछ इस तरह के वेस्ट बॉक्स हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई इनको कलर वगैरह पेंट कर लें, या फिर इस तरह की कोई शीट वगैरह लगा के आप उसमें आसानी से कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, और कोई ख़तरा भी नहीं होगा कि कोई चीज़ ख़राब कर देगी या नहीं। और हम अगर मेरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अदन अहमद ब्लॉग को, तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।